हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों की सुपर टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है बादाम मिल्क शेक, जिसे हम बनाएंगे बिना किसी कलर के, ना किसी तरह की क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। घर के सामानों के साथ इस रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा। यकीन मानिए, इस रेसिपी को यदि आपने एक बार घर में बना लिया तो बार बार इस हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी को हम हर बार घर में ही बनाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध, जिसमें 1 उबाल आने देंगे। यहाँ दूध में देखिए उबाल आ चुका है। फिर किसी चमचे से दूध को चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर और पकने देंगे। जब तक दूध पक रहा है तब तक कस्टर्ड पाउडर का एक स्मूथ सा घोल तैयार कर लेते हैं। घोल तैयार करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 4 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। फिर इसे हम ठंडा दूध डाल के थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, ताकि इसमें किसी तरह की कोई लम्स ना रहे। गर्म दूध का यूज बिल्कुल भी ना करें, इससे लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। नॉर्मल या ठंडा दूध ही लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लम्स फ्री घोल बन के तैयार है। चलते हैं अब दूध की तरफ। यहाँ पर दूध भी बढ़िया से पक गया है, इसे 2 से 3 मिनट ही पकाया है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर के घोल को। इसे हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, वरना लम्स बहुत जल्दी से बन जाते हैं। फिर हम दूध को 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और साथ के साथ बीच में चलाते भी जाएंगे, ताकि लम्स बिल्कुल भी ना आए। कई बार कस्टर्ड पाउडर नीचे तले में भी चिपक जाता है, इसलिए इसे हम बराबर चलाते रहेंगे। लगभग 6 से 7 मिनट बाद दूध बढ़िया तरीके से पक गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम चीनी को भी अच्छी तरीके से दूध में मिला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध कितना ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, जैसे इसे हमने घंटों पकाया हो। फिर इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची। यहाँ पर मैंने 6 से 7 इलायचियों को बारीक पाउडर बना के डाला है। आप भी फ्रेंड्स फ्रेश पाउडर का ही इस्तेमाल करें, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। फिर इसमें हम डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ठंडे ठंडे बादाम मिल्क शेक को पीते हुए ये क्रंची क्रंची ड्राई फ्रूट्स जब मुंह में आते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू और बादाम। यहाँ पर बादाम मिल्क शेक बन के तैयार है। फिर भी मैं इसे 1 से 2 बार हाई फ्लेम में और पकाऊंगी। पहले फ्लेम को हाई कर दें, फिर कम कर दें, फिर हाई कर दें, फिर कम कर दें। ये लीजिए, यहाँ पर तैयार है सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी बादाम मिल्क शेक। इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम फ्रिज में भी पूरी तरीके से ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद ही इसे सर्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ठंडे ठंडे बादाम मिल्क शेक को सर्व करते हैं। बस आप दूध को पूरी तरीके से चिल्ड होने के बाद ही सर्व करें। चिल्ड होने के बाद ही इसका जो टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाता है। फिर ऊपर से हम डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, ताकि ये देखने के साथ पीने में भी टेम्प्टिंग लगे। फिर ऊपर से हम डाल देंगे कुछ केसर के धागे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा बादाम मिल्क शेक बिल्कुल मार्केट जैसा, या यूं कह लीजिए मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा और हेल्दी। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।